ये घोटाला नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हुआ है। ये घोटाला मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित घोटाला है जो अडानी के लिए किया गया है। कोल इंडिया कहता है 2300 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 2015 के दौरान, 2015 के बाद जो समझौता होता है, उस समझौते में लिखा गया 4000 किलो कैलोरी के नीचे का कोयला रिजेक्ट माना जाएगा। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है आपको पता है? 1,00,000 करोड़ रुपए का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है अडानी, भारत सरकार के, मोदी सरकार के कानून का उल्लंघन करता है अडानी। अडानी के मामले में मोदी की सीबीआई, मोदी की ईडी और नरेंद्र मोदी जी खामोश। ऐसा ही कोल घोटाला, अडानी जी घोटाला आपके सामने आया है। पिछले 2 दिन से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस घोटाले के बारे में देश के लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये घोटाला नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण में हुआ है। ये घोटाला मोदी सरकार के द्वारा प्रायोजित घोटाला है जो अडानी के लिए किया गया है। और ये कैसे किया गया है, मैं 2 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया 2014 में। उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 से लेकर 2011 तक जितने भी कोयला की खदानें राज्य सरकारों को दी गई, राज्य सरकारों ने वो कोयला खदानें प्राइवेट कंपनियों को दे दिया और अनाप शनाप भ्रष्टाचार किया, जमकर भ्रष्टाचार किया, जमकर कोयले की लूट की। और ये आकलन उस समय हुआ था 2014 में, करीब करीब 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला घोटाला हुआ था और उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना है। उन्होंने एक एक्ट बनाया साथियों 2015 में, और उस एक्ट की प्रस्तावना में लिखा कि हम ये कानून माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए बना रहे हैं। उस एक्ट में क्या लिखा गया कि अब जो राज्य सरकारों को कोयला खदानें दी जाएंगी उसमें 74% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी, 26% हिस्सेदारी प्राइवेट कंपनियों की होगी, यानी कि मालिकाना हक कोयला की खदानों पर राज्य सरकार को होगा जिसको कोल की खदान दी गई है। यह बात अब आपको समझ में आ गई। लेकिन पूरे देश में जो कोयले की खदानों का आवंटन हुआ था वो तो रद्द हो गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। 2 कोयला खदानें, एक पारसा और एक कांटा, दोनों छत्तीसगढ़ में, दोनों मिली अडानी को, दी किसको गई थी, राजस्थान की सरकार को। यानी राजस्थान सरकार की 2 कोयला खदानें जो अडानी को दी गई थी वो रद्द नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, मोदी सरकार के कानून बनने के बावजूद ऐसे समझौते अडानी के साथ किए गए जो आपको सुनकर हैरानी होगी। उसमें क्या लिखा गया, 74% मालिकाना हक अडानी का होगा, 26% राजस्थान सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि कोयला की खदानों में जो रिजेक्ट माल निकलेगा उस पर भी अधिकार राजस्थान सरकार का होगा। भारत सरकार का कानून कहता है, मोदी जी का कानून कहता है, कोयलरी के अंदर, कोयला खदानों के अंदर जो रिजेक्ट भी निकलेगा उस पर हक, मालिकाना हक राजस्थान की सरकार या जिन जिन राज्य सरकारों को कोयला खदाने की दी जा रही है उनका होगा। इसमें बड़ा मजेदार किस्सा होता है। इसमें एक समझौता करती है राजस्थान की सरकार और अडानी, ये दोनों मिलकर एक समझौता करते हैं और कहते हैं 4000 किलो कैलोरी के नीचे का कोयला रिजेक्ट माना जाएगा। यहीं से खेल शुरू होता है भ्रष्टाचार का। कोल इंडिया कहता है 2300 किलो कैलोरी तक का कोयला इस्तेमाल योग्य है, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 2015 के दौरान, 2015 के बाद जो समझौता होता है, उस समझौते में लिखा गया 4000 किलो कैलोरी के नीचे का कोयला रिजेक्ट माना जाएगा। और साथियों और दोस्तों, इन 2 कोयला खदानों से 1,000 मिलियन टन कोयला निकालने का आदेश अडानी के पक्ष में दिया गया है। दूसरा समझौता लिखा जाता है कि कोयला खदानों से जो कोयला निकलेगा
उसमें 29% तक कोयले का रिजेक्ट अडानी बेच सकता है, ले जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नहीं ले जा सकता, मोदी सरकार का कानून कह रहा है नहीं ले जा सकता, लेकिन जो सरकार राजस्थान की सरकार और अडानी के बीच में समझौता हुआ उसमें लिखा गया 29% तक कोयले का रिजेक्ट अडानी बेच सकता है। और रिजेक्ट किसको माना गया? 4000 किलो कैलोरी के नीचे के कोयले को, जबकि कोल इंडिया कहता है 2300 किलो कैलोरी के नीचे का कोयला रिजेक्ट माना जाएगा। यहां से खेल शुरू होता है। जो कोयला राजस्थान के भाइयों के लिए रिजेक्ट माना गया, जो कोयला राजस्थान में बिजली के उत्पादन के लिए रिजेक्ट माना गया, जो कोयला अगर राजस्थान में बिजली के उत्पादन के लिए इस्तेमाल होता तो राजस्थान के भाइयों को, राजस्थान के करोड़ों लोगों को सस्ती बिजली मिलती, वो कोयला अडानी राजस्थान की कोयला खदानों से उठाता है जो छत्तीसगढ़ में उसको मिली थी, और वो कोयला अपने बिजली के पावर प्लांट में इस्तेमाल करता है, बिजली बनाता है, प्राइवेट कंपनियों को और राज्य सरकारों को बेचता है। ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार है आपको पता है? 1,00,000 करोड़ रुपए का, 1,000 मिलियन टन में 250 मिलियन टन कोयला तो सिर्फ रिजेक्ट के तौर पर उसको बेचने की छूट मिल गई, उससे वो बिजली बना रहा है, बिजली बनाकर बाजार में उसको महंगे दामों पर बेच रहा है और हजारों लाखों करोड़ रुपए उससे वो कमाई करेगा। दूसरा भ्रष्टाचार क्या हुआ? इसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी व्यवस्था की गई कि हम हमेशा जब तक ये कोयला की खदान चलेगी अडानी से ही कोयला खरीदेंगे, और इसका एक भी कोयला राजस्थान की सरकार अपने ढंग से माइनिंग नहीं कर सकती, ये समझौते में लिखा गया है। यानी पूरी तरीके से मालिकाना हक किसको सौंप दिया गया? अडानी को सौंप दिया गया। और अडानी राजस्थान को जो कोयला बेच रहा है वो बेच रहा है 2300 रुपए टन, कोल इंडिया जो राजस्थान की सरकार को कोयला बेचता है वो बेचता है 2000 रुपए टन, यानी प्रति टन लगभग 300 रुपए टन कोयला, 400 रुपए टन, 500 रुपए टन कोयला महंगा राजस्थान की सरकार को दिया जाता है। हर साल कितना कोयला आता है राजस्थान के पास? 15 मिलियन टन कोयला। इससे भी हजारों करोड़ की कमाई की जाती है, दो तरफा कमाई। कोयला रिजेक्ट मानकर हजारों करोड़ कमाता है अडानी, कोयला महंगे दाम पर राजस्थान को ही बेचकर हजारों करोड़ कमाता है अडानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है अडानी, भारत सरकार के, मोदी सरकार के कानून का उल्लंघन करता है अडानी। ऐसे ही कानून का उल्लंघन करने के मामले में एम्टा नाम की एक कंपनी पर सीबीआई की जांच होती है, ईडी की जांच होती है, उसकी 200 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी जाती है, लेकिन अडानी के मामले में मोदी की सीबीआई, मोदी की ईडी और नरेंद्र मोदी जी खामोश, चुप रहते हैं, क्योंकि ये अडानी जी घोटाला है। और किसके राज में हो रहा है? अडानी के मित्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है। 1,00,000 करोड़ रुपए का कोयला लूटा जा रहा है, उसकी व्यवस्था अडानी के लिए मोदी जी ने बना दी, लेकिन कोई सीबी, कोई ईडी, कोई कार्रवाई नहीं। ये घोटाला मैं पिछले दिन से, दो दिन से खोल रहा हूं। यह है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये भारत सरकार का एक्ट है, और ये राजस्थान और अडानी के बीच में हुआ समझौता है। लेकिन इससे भी आगे चलते हैं, एक और चिट्ठी मिली, अपर सचिव ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, यानी मोदी जी के सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव ने, एडिशनल सेक्रेटरी ने यह चिट्ठी लिखी है, और यह लिखा है इसमें विवेक देवांगन ने कि इसमें साफ तौर पे लिखा है एक मामला और, गुजरात के अंदर अडानी ने समझौता किया था कि हम 4.42 रुपए प्रति यूनिट बिजली गुजरात को देंगे, 150 मेगावाट बिजली का यह कॉन्ट्रैक्ट था, समझौता था। इसका उल्लंघन करते हुए अडानी ने गुजरात को बिजली नहीं दी, उसके
पावर प्लांट से जो बिजली पैदा हुई, तो बिजली संकट के समय में, कोल क्राइसिस के समय में, जब कोल क्राइसिस का हल्ला मचाया गया था, हालांकि वो कोल क्राइसिस नहीं था, उस समय जब बिजली संकट की बात आई, गुजरात के लोग बिजली के संकट से जूझ रहे थे और अडानी उस समझौते का उल्लंघन करके वही बिजली महंगे दामों पर बेच रहा था। तो साथियों और दोस्तों, ये लोग जो कहते हैं भारत का व्यापारी है अडानी, उस पर कोई आवाज मत उठाओ। गुजरात का लाल है अडानी, उस पर कोई आवाज मत उठाओ। मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात का लाल है अडानी या दलाल है अडानी? आप मुझे बताइए कि जिस अडानी को गुजरात के लोगों को सस्ती बिजली देनी चाहिए थी, उस अडानी ने महंगी बिजली गुजरात को देने का काम किया। आप जरा बताइए, गुजरात के लाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इसके बारे में उनको चिट्ठी, उनके उनके ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिख रहे हैं, एक साल पहले ये चिट्ठी लिखी गई, क्या कार्रवाई की गई अडानी के ऊपर, कहां है सीबीआई, कहां है ईडी, कहां है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? गुजरात के भाइयों को महंगी बिजली क्यों दिया अडानी ने, इस पे सवाल कौन पूछेगा, इसकी जांच कौन कराएगा? ये सारे सवाल आपके सामने हैं, बहुत सारी और जानकारियां हैं, समय समय पर मैं आपके सामने इसको रखूंगा, खोलूंगा, लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत बड़ा घोटाला है। सब लोग मिलकर इस पर आवाज उठाइए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।